हेलो गाइस, मैं हूँ आना। आप देख रहे हैं आना चिबी केक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाते हैं। ये प्यारा केक बनाना आज सीखेंगे, काफ़ी प्यारा केक बना है, तो वीडियो में पूरा बने रहें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही 5 स्टेक केक जो है फिलिंग करके रखा था, तो इस तरह से आप ऊपर फिलिंग करने के बाद हल्की से क्रीम ऊपर चढ़ाएं, उसके बाद व्हिप क्रीम जो है अपना वो ज़्यादा यूज ना करें, हल्का चढ़ाएं, उसके बाद साइड से, क्योंकि क्रीम खाने में कुछ खास नहीं लगता, केक का टेस्ट ख़राब लगता। तो आप जब भी ऐसे केक बनाएं तो लेस क्रीम ही बनाएं, ज़्यादा क्रीम ना यूज करें। यार इसे भी वाइट फिनिशिंग केक है तो थोड़ा ज़्यादा क्रीम यूज होने वाला हमारा, तो इतना भी क्रीम कम यूज ना करें कि मतलब आपका स्पंज दिखे। मैंने यहाँ ऊपर से प्लेन कर दिया पूरा प्लेन। अभी इस तरह से नीचे का स्टेप, मैंने ये मेरा नीचे का स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है ये। तो यहाँ पे साइड से मैंने कॉम का यूज किया, आप चाहे तो कॉम का यूज कर सकते हैं या प्लेट नाइफ भी यूज कर सकते हैं, आप जैसे केक बना रहे हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। ये मेरा पहला स्टेप बन के रेडी हो चुका है ये इस तरह से। अब सेकेंड स्टेप भी सेम प्रोसेसिंग रहेगा, आप अपने फ्लेवर हिसाब से जो आपको पसंद है, चॉकलेट या फ्रूट की जो भी केक पसंद है, आप अपने हिसाब से उस तरह से कर सकते हैं। ये मेरा सेकेंड स्टेप जो मैंने पहले स्टेप जो लिया था वो 3 किलो का लिया था, उसके ऊपर वाला स्टेप 2 किलो का लिया है ये। इसको भी सेम प्रोसेसिंग रहेगा इसमें भी, ऊपर से क्रीम लगाना है, उसके बाद साइड से कॉम मारेंगे साइड से, उसके बाद ऊपर से हल्के हाथों से ये क्रीम ऊपर का निकालेंगे जो ऊपर उठा हुआ। ये मेरा सेकेंड स्टेप भी बन के रेडी हो चुका है, अब इसको इसके ऊपर चढ़ा देंगे। मैंने ये केक फिलिंग करने के बाद फ्रिज में नहीं रखा था। आप लोग जब भी इसे स्टेप केक बनाएं तो डीप फ्रिज के अंदर मिनिमम आधा घंटा या 1 घंटा रख लें। उसमें क्या होता है कि आपका केक अगर कहीं डिलीवर कर रहे हैं तो आपका केक जो है वो डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, और ऐसे में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि फिलिंग करने के बाद उसको थोड़ा देर सेट करें फ्रिज में। ये मेरा जो तीसरा स्टेप है वो भी बनकर रेडी हो चुका है, आप चौथा स्टेप बनाएंगे। तो पहले मैंने कितना लिया था, 3 किलो, उसके बाद 2, उसके बाद 1, इसके बाद आधा किलो, ये हाफ के जी का है। आप चाहे तो बड़े केक के लिए लादे भी यूज कर सकते हैं, जो ट्रे आता है वो अल्मोनियम का ट्रे, उसे भी उसमें भी स्पंज मार के यूज कर सकते हैं, या फिर टीन भी आता है राउंड टीन, उस बड़ा साइज का वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8x8 का रिंग यूज किया था। ये मेरा चौथा स्टेप जो है ये भी बन के रेडी हो गया, ये मेरा फाइनल स्टेप है। ये मैंने जो 6x6 का रिंग होता है उसको कटिंग करके मतलब थोड़ा छोटा किया ताकि वो परफेक्ट बराबर दिखे केक। बॉटम का जो था मेरा वो मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट था करके। बाकी जो 4 स्टेप है वो जितना गैप मतलब चारों में ये बराबर गैप दिया मैंने। तो आप भी इस तरह से ईजिली 5 स्टेप बड़े बड़े केक जो 5 स्टेप केक है वो इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बोर्ड पे क्रीम लगा लेता हूँ। ये मेरा केक जो है एनिवर्सरी केक है, ये 8 किलो का केक बनने वाला है मेरा। यहाँ पे 119 नंबर पत्ता नोजल जो होता है, लिप का नोजल जो होता है वो मैं यूज कर रहा हूँ बॉर्डर के लिए। आप चाहे तो स्टार नोजल या फिर विदाउट नोजल भी यूज कर सकते हैं बॉर्डर के लिए, या फिर आप चाहे तो रिबिन जो होता है लेस भी यूज कर सकते हैं एनिवर्सरी केक के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कोई भी चीज़ यूज नहीं किया, मुझे केक जो है पूरा वाइट ही बनाना है। ये मेरा केक बॉर्डर मार के भी रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टिक लगा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मैंने फ्रिज में इसको नहीं रखा था थोड़ा सा भी, तो इसके लिए स्टिक यूज कर रहा मैं।
क्योंकि ये डिलीवर करना कहीं दूर, तो गाड़ी में ले जाने के टाइम पे आपका केक जो है वो डैमेज हो सकता है या फिसल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप स्टिक यूज कर सकते हैं, फ्रिज में रखने के बाद भी यूज करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं, आपका केक जो है वो ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगा। अब इसमें जो रोज़ लगाना है वो पिंक कलर का, आप चाहें तो पिंक कलर लिक्विड कलर जो है क्रीम में यूज करके डायरेक्ट पिंक कलर का फूल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का रोज लगा रहा हूँ, उसके बाद ऊपर से जो है वो पिंक कलर के फुसफुस यूज करूँगा। तो पहले फूल बना लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो देखते देखते आप लाइक के बटन को भी दबा दीजिए। ये इस तरह से मैं गुलाब के रोज बना रहे हैं। गुलाब का रोज आप अगर बनाना आता है तो काफ़ी इजीली बन जाता है, और बनाना नहीं आता तो आप स्टैंड में भी रख के बना सकते हैं या ट्राई करें, कोशिश करें, कोई हार्ड नहीं है। 2-4 दिन में आप अगर बनाना नहीं जानते हैं तो कोशिश करते रहेंगे तो आप सीख जाएंगे। ये मेरा नीचे के स्टेप में रोज लग चुका है और ये सेकेंड स्टेप में भी, और अब मुझे थर्ड स्टेप जो है वो उसमें लगाना है, तो इसमें भी लगा के देते हैं जल्दी से। वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो आप इस तरह से केक को डेकोरेट कर सकते हैं रोज से, और चाहे तो आप दूसरा भी चीज़ डेकोरेशन के लिए गार्निश वगैरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नोक नोजल बोलते हैं जो वो यूज किया है अभी फ्लावर नोजल के लिए। टॉप पे भी लगा देते हैं रोजेस। ये मेरे सभी जगह पे नोजल के जो फ्लावर थे वो बन के रेडी हो चुके हैं, बस ऊपर में बाकी थोड़ा गुलाब का फूल। उसके बाद हम लोग ये नोक नोजल से जो है वो होते सूरजमुखी फूल बोलते हैं, सनफ्लावर जो वो बना देते हैं। तो दोनों फूल मिक्स मैंने बनाया है, सनफ्लावर और गुलाब के जो हैं वो दोनों ही फूल बनाया। आप चाहें तो दोनों भी बना सकते हैं और सिंगल भी बना सकते हैं। दोनों रोजेस बनाएंगे तो आपका केक का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे मैं पिंक कलर का फुसफुस यूज कर रहा हूँ। अब पिंक कलर का फुसफुस जब भी यूज करें तो आप अच्छे से यूज करें, क्योंकि फुसफुस मारते हैं तो कभी क्या होता है कि मतलब फ्लावर के जगह पे छोड़ के वो दूसरे जगह पे उड़ के जाता है, तो आपका केक का जो लुक है वो बिगड़ सकता है। तो आप स्लोली ये फुसफुस यूज करें। मेरा जो फुसफुस मैं मारा हूँ वो फूल पे ही है और साइड से केक में नहीं गया है, काफ़ी अच्छा हुआ है ये मेरा केक। केक में फूल भी लग के रेडी हो चुके हैं, बस इसमें मुझे पत्ता मारना है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम लिया पाइपिंग पैक में, और उसके बाद ग्रीन कलर यूज किया, ग्रीन कलर को मिक्स पाइपिंग पैक में कर लिया, और अब इसमें पत्ता मारते हैं पत्ता कटिंग करके। ये देखिए इस तरह से आपको पत्ता मार लेना है। चलो जल्दी से पत्ता भी मार लेते हैं। ये इस तरह से काफ़ी ईजी होता है ये स्टेप केक भी बनाना। बस आप जब भी स्टेप केक बनाएं तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप अपना जो फिलिंग क्या हुआ स्पंज है उसको फ्रिज में रखें, और दूसरा एक चीज़ और ध्यान में रखें कि आप जितना भी टायर का केक बना रहे हैं, जैसे कि नीचे का 2 किलो लेते हैं तो ऊपर का आपको 1.5 किलो, फिर 1 किलो, फिर आधा किलो, इस तरह से लेना है ताकि आपका साइज जो है केक का वो बराबर दिखे। मेरा केक का साइज जो है वो देख सकते हैं 4 स्टेप जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नीचे का मैंने जानबूझ के बढ़ा लिया था, तो आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर बराबर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल बोल और जो जो कोई स्टैंड फैंसी स्टैंड आते हैं वो यूज किया भी। ये आप केक समझ गए होंगे, काफ़ी केक हमारा जो है अच्छा बना है आप देख सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें, आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं रोजाना ऐसे ही डेली वाइज केक लाता रहता हूँ। तो फिर कल मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।